देखो बच्चों, आज का टॉपिक है फोर्स एक्ट्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये मान लिया कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। देखो बच्चों क्या टॉपिक है आज का, कि ये मान लिया कोई मैग्नेट है, इसके बीच में आपने कोई वायर रख दिया, ठीक, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको बताना है इस पर कितना फोर्स लग जाएगा। तो देखो बच्चों, जब इसमें आप करंट फ्लो करोगे तो ये भी एक मैग्नेट बन जाएगा और एक मैग्नेट ये था, तो आप जानते हो कि दो मैग्नेट के बीच क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, तो ये तार जो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है बच्चों। याद रखना कि जब किसी मैग्नेट में या मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को रखते हैं जिसमें करंट फ्लो होता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है बच्चों। इस फोर्स का मतलब क्या होता है, एफ इक्वल टू एफ इक्वल टू आई बी क्रॉस एल या एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अगर आपको डायरेक्शन निकालना हो तो आप इस क्रॉस के मेथड से डायरेक्शन का निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। याद रखना कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, कितना बच्चों, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।